हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को हमेशा के लिए प्रेस रखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आपका भाई मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर है। आज हम बहुत ही खूबसूरत से मॉडल और ख़ूबसूरत से ब्रांड पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुआ है। अभी ही हाल ही में ये मॉडल पाकिस्तान में आने शुरू हो गए हैं। इनमें जो हमारे पास मॉडल मौजूद है, आज हम आपको उसका रिव्यू जस्ट पेश करेंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी अनबॉक्सिंग करके वो पीस आपको दिखाएंगे कि उसकी क्या लुक है और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तमाम मालूमात डिस्कस करेंगे। सारी मालूमात को शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस मुनफरद से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को हमेशा के लिए प्रेस रखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और कोई भी दोस्त इस तरह के परफ्यूम अतरियात और खुशबू वगैरह हासिल करना चाहे तो मेरे स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके ये तमाम तरह के अतरियात, परफ्यूम और कम्बिनेशन वगैरह अपने मनपसंद कम्बिनेशन तैयार करवा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं और मोबाइलों का भी काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं। यूट्यूब तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आइए तो हम इसमें प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। हमारे पास पोको का M3 मॉडल है, ये उसका बॉक्स है, येलो कलर का बॉक्स है और तमाम ही येलो है। इसकी 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज होती है। ये फ़ोन पीस इंतहाई अच्छे स्ट्रक्चर का मालिक है। MI ने शाओमी के साथ ये फ़ोन पोको ने रिलीज़ किया है। पोको बेसिकली तौर पर MI का ही एक ब्रांड है, MI ही इसे रन करता है, MI इसे पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाता है। जैसा कि पिछले दिनों ओप्पो ने Realme वगैरह इस तरह की कंपनियां मुतारफ़ करवाएं, इसी तरह MI ने शाओमी और MI ने ही पोको को रिलीज़ किया है। ये बेसिकली तौर पर MI का ही मॉडल है। आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। इसकी 4GB रैम, 128GB मेमोरी और 6000 mAh बैटरी इन्होंने लगाई है। ये फ़ोन पीस इंतहाई शानदार है। इसमें 48MP कैमरा दिया है और ये फ़ोन पीस हम खोलने जा रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या सहूलियात दी हैं ये आपको दिखाते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये तमाम तरह की प्रोडक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बॉक्स खुल गया जनाब। इस बॉक्स के अंदर ये इसी तरह का येलो शेड है और ये तमाम येलो ही इसका बॉक्स है। ये पोको का ये उसकी सिम इंजेक्टर आ गया, ये एक 12 मंथ का वारंटी कार्ड आ गया। ये देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, MI इसे रन करता है और ये MI ने इसे वारंटी में इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को MI ही डील कर रहा है। ये वारंटी कार्ड है MI की जानब से कंपनी का दिया हुआ। आगे चलते हैं, हमारे पास ये आगे क्या MI हमें दे रहा है। ये एक सिलिकॉन पाउच है जो आम नॉर्मल सा है, लेकिन जैसा कि फ़ोन के साथ आता है सरसरी सा, ये पोको ने ही तैयार किया है, ये पोको का ही। और ये इनकी बुकलेट वगैरह जो बहुत ज़्यादा। आगे आते हैं, हम अपना फ़ोन देखते हैं। ये है जनाब फ़ोन। फ़ोन के ऊपर 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा और नाइट मोड के साथ है। 6000 mAh 18W का फास्ट चार्जर दिया है और इसके अंदर डॉट ड्रॉप डिस्प्ले भी उन्होंने दिया है, यानी कि इसका जो फ्रंट ग्लास है वो काफ़ी अच्छा साबित हो। ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उन्होंने लगाया है जो बहुत ही अच्छी स्पीड प्रोवाइड करने जा रहा है। आप चलते हैं अपने फ़ोन को खोल के देखते हैं कि इन्होंने फ़ोन को कैसा बनाया। ये इसकी फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। ये पोको का बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, येलो शेड है, येलो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल येलो फ़ोन है। ये पहले एक
मेरे नॉलेज के मुताबिक एक बहुत ही पहले नोकिया का एक मॉडल आता था, गालबन उस मॉडल में उन्होंने ये चीज़ इस तरह ये स्टाइल दिया था बिल्कुल, और ये बिल्कुल उसी तरह की एक वो पुरानी ओल्ड लुक इन्होंने बिल्कुल कैप्चर की है। और ये कैमरा और ये सेटअप पहले एक फ़ोन में नोकिया ने लॉन्च किया था आज से काफ़ी अरसा पहले, तो शायद मेरे यूज़र ने उसको देखा हो। तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और 48 मेगापिक्सल का इसका ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत ही शानदार है और इसका हम फर्स्ट रिव्यू आपको पेश करेंगे। इसको ऑन करते हैं और इसकी मज़ीद एक्सेसरी हम देखते हैं। ये फ़ोन ऑन होने जा रहा है। इसके अंदर अब आगे क्या क्या है, ये इसके अंदर चार्जर उन्होंने दिया है, ये 18 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जर है, ये फास्ट चार्जिंग इससे एक्सेप्ट की जा सकती है क्योंकि MI का ही ये चार्जर है। चार्जर सेटअप में भी MI ने, ये देखें MI मेंशन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा अडॉप्टर उन्होंने दिया है। आगे आते हैं, इसके अंदर ये है इसकी टाइप सी की डाटा केबल, ये डाटा केबल जो नॉर्मल हर फोन में आती है और साथ में हैंड फ्री इसके अंदर मौजूद नहीं है। प्यारे यूज़र, ये कैमरा फ़ोन ऑन हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लुक है और इसका जो सॉफ्टवेयर सेटअप है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। ये आप मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, इसका जो कैमरा रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छी है। ये इसका फ्रंट कैमरा है, ये इसका बैक कैमरा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स हैं कैमरे के। 48 मेगापिक्सल है और रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें तमाम के तमाम फीचर मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे हैं, जैसा एक्सेप्ट किया जा सकता है MI से ये वैसा ही फ़ोन होने जा रहा है। अच्छे कैमरे के साथ उन्होंने ये फ़ोन सेटअप दिया है, प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल दिया है और 8 मेगापिक्सल जैसा कि होना चाहिए वैसा रेजोल्यूशन दे रहा है और काफ़ी अच्छे फीचर के साथ ये फ़ोन सेटअप ऑन हो चुका है। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्क्रैच लेस है, किसी किस्म का बॉडी में वो स्क्रैच आने का ख़र्चा नहीं है क्योंकि मटेरियल जो उन्होंने यूज़ किया है बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी खसूसियात उन्होंने दी हैं, ड्यूल सिम इंजेक्टर इधर उन्होंने इसका सिम ट्रे दिया है और प्लस मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर स्लॉट मौजूद है और सुपर ट्रिपल कैमरा सेटअप उन्होंने दिया है। प्यारे व्यूवर्स, ये था MI का M3 मॉडल। इसकी प्राइस की बात करें तो 26,000 रुपये का ये फ़ोन MI ने, पोको ने रिलीज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, उम्मीद है आपको ये फ़ोन और ये सेटअप बहुत पसंद आएगा। अगर परचेज़ करना हो तो मार्केट में किसी भी जगह से परचेज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।